हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे इतने सारे गजानियाँ देख रहे हैं, आज इनको मैंने अलग से रेडी किया है। तो ये जो मेरे मेन प्लांट थे, और जब मैंने स्टार्टिंग में गजानियाँ मंगाए थे तो मेरे पास सिर्फ 5 गजानियाँ के सैपलिंग्स थे, और उसके बाद मैंने गजानियाँ को इस मल्टीप्लाई करके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो बना लिए हैं। तो गजानियाँ को आप कटिंग से रेडी नहीं कर सकते फ्रेंड्स, इसको या तो आप शीट से लगा सकते हैं या फिर आप इसके सैपलिंग्स, सीडलिंग्स जो भी ऑनलाइन मंगाएंगे उससे। उसके अलावा इसको मल्टीप्लाई करना जो है वो अलग तरीके से होता है। इसके नीचे से जो बेस से आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट्स निकलते हैं, ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए, ये अलग से ना कुछ टाइम के बाद जब आपका प्लांट जो है ग्रोथ पर होगा तो उसके नीचे से ना बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो निकलते हैं। तो आप उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स जो है बना सकते हैं। गजानिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। ये देखिए किस तरह से इसको अलग करके अब ये इस तरह से, ये देखिए 2 प्लांट इसके बन चुके हैं। और इसी तरह मैंने ये देखिए सारे जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करके अलग किया और एक इस तरह से। तो इन सब के नीचे बहुत सारे जो बेबी प्लांट, बेबी पफ जो बनते हैं, आप उनसे बहुत सारे गजानिया को रेडी कर सकते हैं। गजानिया बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है और विंटर में बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी कलर्स में ये आते हैं। तो आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये काम कर रहे थे तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मैसेज है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि गजानिया को रिपोर्ट करना या उनको अलग प्लांट बनाना, कैसे बनाना है, बहुत से लोगों को इसका तरीका नहीं पता, क्योंकि कटिंग से आप इसको बिल्कुल नहीं लगा सकते। कटिंग की इस तरह होती भी नहीं है, कटिंग से पता नहीं, शायद मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि शायद ये कटिंग से आसानी से नहीं होता है। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्लांट अच्छी ग्रोथ पर होता है तो उसके नीचे बहुत सारे जो है प्लांट जो होते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ही केयरफुली निकालें, मतलब कि वो थोड़ा सा जल्दी से ठीक से नहीं निकलता है, तो आप उसको रूट्स को ज़्यादा टच नहीं करना है और बहुत ही केयरफुली, मतलब जब आप निकालें तो आप अपने पॉट में थोड़ा सा पहले से पानी जो है वो देकर उसको ढंग से निकालें। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं नया मेरा एक और जो गजानिया है वो रेडी हो गया है। और ये जो आप बास्केट देख रहे हैं, ये मैं कल 10 रुपये के फिर से लेकर के आई थी, 10 रुपये का एक बास्केट। तो ये सारे जो बास्केट हैं जो थोड़े से न्यू दिख रहे हैं आपको, ये सारे कल हम दोबारा से 10 रुपये वाले बास्केट लेकर के आए हैं, क्योंकि मैं विंटर के सभी जो मेरे प्लांट्स होते हैं मैं इसी में लगाती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये वाला तो मैं आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे गजानिया पर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत ही बड़ा वाला जो फ्लावर है वो ये वाली में बास्केट में नहीं है, ये सामने, ये आप देख रहे होंगे इसमें, ये देखिए सामने लगा हुआ है मेरा एक और गजानिया। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने सिर्फ 5 सैपलिंग्स हमने ऑनलाइन मंगाए थे, और उसके बाद मेरे देखिए 5 से कम मैंने 12-13 अपने गजानिया प्लांट जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, और आज भी कर रहे हैं, मतलब इन सबको मिला के। तो अभी मुझे कहीं जाना था तो, लेकिन फिर भी ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ तो 2-2 कलर की गजानिया एक ही में थे जो 5 सैपलिंग्स थे, तो इस वजह से मैं उनको सेपरेट भी करना चाहती थी। तो ये देखिए कितने सारे गजानिया मैंने कर लिए हैं। तो अगर आपको भी गजानिया, अगर आपने भी 1 या 2 सैपलिंग्स मंगाए हैं और वो अच्छी ग्रोथ पर हैं, तो आप भी इस तरह से उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी गजानिया अच्छी ग्रोथ पर हों तो आप उनको इस तरह से नीचे बेस से जो उसके बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत ही केयरफुली निकाल करके आप बहुत सारे गजानिया के प्लांट जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा भी था कि गजानिया के प्लांट किस तरह से हम बना सकते हैं, क्या कटिंग से लगा सकते हैं, तो ऑफलाइन कोई मेरे फ्रेंड हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। तो इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप इस तरह से बहुत सारे गजानिया को रेडी कर सकते हैं। और ये जो सॉइल आप देख रहे हैं, ये हमने इसका जो रेडी किया है, इसमें 1%, मतलब एक हिस्सा गार्डन सॉइल है और एक हिस्सा हमने इसमें ना कंडे की राख को यूज़ किया है, जो सर्दी में हमने आग सेकने के लिए, मतलब ठंड से बचने के लिए जो है उसको यूज़ किया था। तो वो राख जो थी उसमें हमने एक हिस्सा वो मिलाया है और एक हिस्सा इसमें बर्मी कंपोस्ट है। तो बस इनको मिलाकर के ये जो इसका पॉटिंग सॉइल है ये मैंने रेडी किया है, तो बस इसी को यूज़ करें। इसके अलावा मैं इनमें खाद नहीं देती हूँ, मेरे किचन का जो भी वेस्टेज होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनको
उनको सबको जो है पीस के, मतलब कि मिक्सी के जार में जो गीले होते हैं उन्हीं से मैं पीस करके लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर तीसरे दिन चौथे दिन दे देते हैं हम लोग, तो अलग से कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसके अलावा अलग से मैं इनको खाद नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि इस तरह से आप जो है गजानिया के जो प्लांट्स हैं उनको सेपरेट मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, और जैसे मैंने बना लिए हैं। तो इस बार हालांकि थोड़ा सा लेट हम हुए तो जो भी है, लेकिन बहुत सारे गजानिया मेरे रेडी हो चुके हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया था। तो और जो भी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरीज है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगी। और बस वीडियो यही स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।